वीडियो में हमारे पास हैं दो बाइक, प्लैटिना एच गियर और प्लैटिना ABS, जिनकी बात करेंगे हम और उनके दोनों फीचर्स के बारे में जानेंगे क्या क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। ये आपकी प्लेटिना एच गियर जो आपके पहले से ही आ रही है और इसमें ये नया कलर आया है, ये आपको चारकोल ब्लैक में नया कलर आया है। इसमें दोनों में डिजाइनिंग में आपको एक तो फ़र्क है, ये आपकी इसमें एक तो लाइट के नीचे क्रोम फिनिश में ये डिजाइनिंग आपकी जो है इसमें आपको यहाँ पे क्रोम की लाइनिंग दी हुई है, क्रोम फिनिशिंग इसमें दी हुई है। बाकी LED का ऑप्शन इसमें भी है और LED का ऑप्शन इसमें भी है। तो आगे डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं आगे। और लाइटिंग में दोनों में आपकी दोनों में सेम है, इसकी भी DRL लाइट आपको ऑन रहती है और इसमें जो मेन लाइट है हैलोजन लाइट है और ये आपकी ऑन ऑफ हो जाता है, ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है इसमें भी आपको ऑन ऑफ का, और सेम ही जैसा इसमें है ऐसा ही उसमें है, बस इसमें एक क्रोम फिनिश की आ गई है और उसमें आपके ब्लैक फिनिशिंग के साथ दी गई है। इसमें देखो यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग की एक लाइनिंग दी हुई है, जैसे यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग की दी हुई है आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग की लाइन दी हुई है। और बाकी इंडिकेटर्स दोनों में सेम रहेंगे, इंडिकेटर दोनों में सेम है, शॉकर वगैरह आप देखेंगे दोनों भी सेम है, बस एक इसमें आपका कलर का डिफरेंस दिया गया है और इसमें आप इसमें कलर का डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर के ग्राफिक्स मिलेंगे और जो हमारे प्लैटिना ABS के साथ है उसमें आपको वाइट कलर के ग्राफिक्स मिलेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी प्लेटिना, इसमें आपको ABS नहीं दिया हुआ है, प्लेटिना एच गियर में ABS का ऑप्शन नहीं है इसमें, जो पुराना इसमें आपको ABS नहीं, नॉर्मल डिस्क ब्रेक और जो अलॉय है वो ही मिलेंगे, वही मिलेंगे। बट जो हमारे पास प्लेटिना ABS के साथ है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक ABS की एक प्लेट मिलती है और एक सेंस वायर मिलता है सेंस करने के लिए, और इसमें आपका ब्लैक अलॉय व्हील में दिए गए हैं। हाँ इसमें ब्लैक, इसमें जो अलॉय का हमारा कलर है वो ब्लैक है और इसमें वाइट है, वाइट में आपको वाइट का ही ऑप्शन मिलेगा। और बाकी इसमें देख सकते हैं आप इसमें भी आपको टैंक जैसा डिज़ाइन इसमें दिया हुआ है सेम डिज़ाइन में आपकी बाइक निकालें, एक तो इसमें आपका कलर का डिज़ाइन फ़र्क मिलेगा। बाकी 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, सेम इसी जो न्यू बाइक आई है इसमें भी आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। और बात करते हैं सीटिंग की, सीटिंग में देखते हैं सीटिंग भी आपकी पुशन टाइप सीट आती है, सेम सीट आपको नई बाइक में दी गई है। बाकी इसमें सीट में लाइनिंग भी दी हुई है, कुशनिंग दोनों में सेम ही है, सीट में ये सीटिंग है नहीं ये। बाकी शॉकर वगैरह देखते हैं, शॉकर भी आपको दोनों में ही सेम मिलते हैं, इसमें भी आपको नाइट्रोजन शॉकर मिलते हैं, सस्पेंस अच्छा मिलता है आपको और सेम ही शॉकर आपको इसमें दिए गए हैं प्लेटिना न्यू वाली बाइक जो आई है ABS के साथ, इसी में आपको सेम शॉकर दिए हुए हैं। तो शॉकर में कोई डिफरेंस नहीं है, शॉकर सेम है, दोनों नाइट्रोजन के साथ इसमें शॉकर दिए हुए हैं, नाइट्रोजन का ऑप्शन है दोनों में। बाकी बात करते हैं लाइटनिंग की, बैक लाइट की, टेल लाइट की, जो टेल लाइट है तो टेल लाइट भी आपको दोनों की सेम है, गोल लाइट में दी गई है और इसमें भी आपको दोनों सेम ही मिलती है, टेल लाइट भी सेम है और इंडिकेटर, इंडिकेटर भी देखते हैं दोनों सेम है, सेम है। बाकी ऐसा कोई इसमें मेजर डिफरेंस है नहीं। और टायर साइज की बात करते हैं, दोनों में सेम टायर साइज मिलते हैं आपको, 17 के दोनों में टायर साइज मिलेंगे आपको, टायर साइज भी सेम ही है, टायर में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें अलॉय व्हील आपके वाइट कर दिए हैं और इसमें आपको ब्लैक अलॉय व्हील के साथ मिल जाएंगे, और दोनों में ही आपको कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको दोनों में मिलता है, और इस वाली कॉम्बो इसमें ABS के साथ मिलता है, उसमें आपको नॉन ABS के साथ मिलता है आपको। तो कॉम्बो ब्रेकिंग का ऑप्शन दोनों में है, बट जो प्लैटिना ABS है 110 में उसमें आपको ABS का ऑप्शन मिलता है और जो प्लैटिना एच गियर है उसमें आपको ABS का ऑप्शन नहीं मिलता, तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। बाकी कलर की बात करते हैं, कलर इसमें आपको दो कलर आते हैं, एक तो ब्लैक ब्लू कलर में शेड दी हुई है, एक आपका ब्लैक चेरी कलर में शेड आती है, दो कलर आते हैं इसमें आपके, तो इसमें दो कलर का ऑप्शन आपको मिलता है ये। और इसमें जो ये न्यू है अभी ये नया कलर ये वाला कलर आया है इसमें चारकोल ब्लैक के नाम से है इसका, और इसमें आपको वाइटिंग डिजाइन भी दिया हुआ है, इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो वाइट कलर के ग्राफिक्स इसमें दिए हुए हैं। बाकी दोनों में ही आपको ऑटो चॉक वगैरह सेंसर वगैरह दोनों में सब चीज़ सेम है, सब चीज़ें सेम ही है इसमें, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
और इसमें एक मीटर का भी आपको दिया हुआ है। इसमें डिफरेंस है, आप देख सकते हो, इसमें हमें मीटर जो है इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलता है। इसमें डिजिटल मीटर है, हाँ। इस मीटर में ये भी आपका गियर शिफ्टिंग का शो करता है, टाइम भी शिफ्टेबल टाइम का भी बताता है, फ्यूल वगैरह इसमें आपको सब दिया हुआ है। और ये RPM हो गया आपका, और इसमें आपको जैसे गियर डालते हैं, पहले गियर में बाइक डालेंगे तो पहले गियर शो करेगा, जैसे गियर डालते जाएंगे आपको गियर का शिफ्टिंग का बताता जाता है। तो इसमें आप गियर्स का भी डिटेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से गियर पे आप अपनी बाइक को रन कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा फीचर दिया है इसमें ये भी। और बाकी जो अब नई बाइक आई है प्लेटिना, ये जो हमारी नई बाइक आई प्लेटिना 110cc में नए कलर के साथ, इसमें आपको सिंपल एनालॉग मीटर दिया हुआ है, इसमें आपको डिजिटल मीटर नहीं मिलेगा। इसमें डिजिटल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसमें ओनली एनालॉग का ऑप्शन है। बाकी जो आपका आरपीएम का मीटर है, स्पीड का जो भी मीटर है, वो सेम ही है, हाँ। और इसमें फ्यूल का इसमें इस टाइप का दिया हुआ है, न्यूट्रल का, ये आपके ABO इंजन की लाइट है। ये इंजन का कोई भी अगर इंजन में कोई इशू होता है, ये उसको डिटेक्ट करने के लिए है। बाकी जैसे आप चाबी को ऑन करते हो, की को ऑन करते हो, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और उसके बाद ऑफ हो जाएगी, बट अगर आपके इंजन में कोई इशू होगा तो ये लाइट कंटिन्यू ब्लिंक कंटिन्यू जैसे आप ये रहेगी। स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी अपने आप बंद हो जाती है स्टार्ट करने के बाद, ये बंद हो गई है, बट अगर आपके इंजन में कोई फॉल्ट होगा तो ये कंटिन्यू ऑन रहेगी। तो आप इसके हेल्प से ईजिली डिटेक्ट कर सकते हो कि आपकी बाइक में कोई इशू तो नहीं है। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप किस बाइक को एक्सप्लोर कराना चाहते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।